बीजेपी आजसू के बीच गठबंधन अब करीब करीब वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। आजसू के बाद अब लोहरदगा सीट से बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुखदेव भगत यहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन हुसैनाबाद सीट पर अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका है। नामांकन का अंतिम दिन है आज, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ फोनलाइन पर सहयोगी अविनाश है। अविनाश, पहले चरण का मतदान होना है 30 नवंबर को, आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने की, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और जो कयास लगाए जा रहे थे सुखदेव भगत को लेकर कि इसी उम्मीद और आकांक्षा के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है कि उन्हें टिकट लोहरदगा से मिलेगी, और ऐसा ही हुआ? निश्चित रूप से राजदा, कल देर रात सुखदेव भगत को जो सिंबल मिलना चाहिए बीजेपी का वो मिल चुका है, और अब ये आज वो नॉमिनेशन करेंगे। आज पहले चरण का अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, और कई बड़े नेता आप कहें, चाहे वो सुखदेव भगत की बात करें, चाहे गढ़वा से सत्यनाथ तिवारी की बात करें, विश्रामपुर सीट से रामचंद्र चंद्रवंशी और अंजू सिंह की बात करें, कुशवाहा से पूजन मेहता की बात करें, शशि भूषण मेहता की बात करें, बिट्टू सिंह की बात करें, छतरपुर से भगत के राधा कृष्ण किशोर, विजय राम, तमाम ऐसे अलग अलग सीटों की बात करें, डल्टनगंज से आलोक चौरसिया की बात करें, आज अंतिम दिन है। और बीजेपी के अगर आप देखें तो अधिकांश जो उम्मीदवार हैं वो आज ही नामांकन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है राजदा, जैसा कि आपने कहा कि कल देर रात सुखदेव भगत पर जो सस्पेंस बरकरार था वो अब क्लियर हो चुका है, और सुखदेव भगत तो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। आज वो नामांकन भी दाखिल करेंगे, और उनके उनको सिंबल मिलने के साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि बीजेपी और आजसू के बीच जो तकरार पहले से चल रहे थे उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है, वो तकरार और समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हुसैनाबाद सीट से अभी भी अगर हम कहें पहले चरण की हम बात करें तो हुसैनाबाद सीट से अभी भी बीजेपी ने किसी अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है, और इसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, हुसैनाबाद के जो कार्यकर्ता हैं वो खासे नाराज भी हैं कि सीट को शिव पूजन मेहता के लिए छोड़ देना ये सही नहीं है। और यहाँ से आजसू के वो उम्मीदवार होंगे, आज वो नामांकन भी करेंगे, हालांकि अभी कुछ घंटे शेष हैं नामांकन के, अगर हम 3 बजे तक का समय अगर तक के लिए इंतजार करना चाहिए कि कोई अगर नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ से अगर ना हो, लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम कहें, अब ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि बीजेपी और आजसू के बीच जो आपसी सामंजस्य होना चाहिए था, जो राजनीतिक रूप से इनका जो गठबंधन है उस गठबंधन को और मजबूत होना चाहिए था, वो अब चीजें सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। आजसू और बीजेपी के बीच जो नेता है उनके बेहतर तालमेल नहीं है, और इसका एक मैसेज भी आम जनता के बीच जा चुका है। आम जनता के बीच भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आजसू और बीजेपी का जो गठबंधन है वह पूरी तरह से तार तार हो चुका है। और इसके बाद भी अगर हम देखें, बहुत सारे नेता आपको पता है राजदा कि अभी आजसू में शामिल हो रहे हैं, उनके शामिल होने का क्रम जारी है, मतलब साफ है कि वो तमाम नेता जो अब 1 से 2 दिन के अंदर जो शामिल होंगे वो किसी न किसी सीट से, जहां से उनकी राजनीति पहले से होती रही है, वो राजनीति करते रहे हैं, या वहां से वो विधायक रहे हैं, या वहां उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सीटों पर आजसू में शामिल होने के साथ दावेदारी बढ़ेगी, और आजसू निश्चित तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारेगा। अविनाश, कुछ खबरें ये भी है कि बीजेपी लोहरदगा हुसैनाबाद सीट देकर आजसू से 4 सीटों पर नाम वापस लेने के लिए दबाव भी बना रही है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। देखिए, ये बीजेपी के तरफ से ये लगातार उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुआ वो चक्रधरपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अब उनका भी नॉमिनेशन होना बाकी है, और उसी सीट से आजसू के उम्मीदवार को भी उतारा गया है। ये एक प्रस्ताव जरूर दिया गया है आजसू को कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो आजसू का उम्मीदवार है उन्हें वापस लिया जाए, लेकिन ये इन सारी चीजों पर फैसला आजसू को करना है। ये बीजेपी की मांग हो सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि आजसू के जितने भी मांगे रही, चाहे वो सिर्फ टिकट के मुद्दे पर नहीं कहें, जो सरकार के द्वारा जो निर्णय जो यहाँ पर
आपसी तालमेल को लेकर, भविष्य में जो सरकार की गठन या फिर जो पहले भी सरकार गठन हुए उस वक्त आशु के साथ जो बातें हुई थी उसको लेकर एक तकरार है, और वो कहा जा सकता है कि कहीं से भी ठंडा पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए आशु के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम झारखंड के जो नीति, झारखंड के विकास को लेकर हम गंभीर हैं, यहाँ की आम जनता को लेकर जो आम जनता के सवाल हैं उसको लेकर हम गंभीर हैं, और आशु का जो अपना नारा रहा है उस नारे पर आज भी आशु अडिग है। और सिर्फ ये सवाल सीट का नहीं है, सीट बंटवारे में कोई आप कह सकती हैं कि जो नाराजगी है सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं आशु जो बीजेपी के साथ बैठकर करना चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। राजनाथ अविनाश, गठबंधन में जो गांठ पड़ा है, क्या कोई आखिरी गुंजाइश दूर दूर तक नजर आ रही है कि ये गांठ सुलझ जाए? नहीं, राजनीति में संभावनाएं बहुत होती हैं, उम्मीदें भी हमेशा ही बरकरार रहती हैं, और राजनीति में ये कह सकते हैं राजदा की किसी भी निर्णय तक तुरंत पहुंचना ये जल्दीबाजी होती है। हर कुछ यहाँ संभव है और हर कुछ यहाँ आप ये भी कह सकती हैं कि असंभव है, लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण को इस रूप में देखता हूँ कि अगर आप दो पल्ले वाले दरवाजे को देखें, जो दरवाजा होता है उसमें से आशु ने एक पल्ला बंद कर दिया है, एक तरफ से दरवाजा खुला है, और अब ये देखना है कि वो दरवाजा कब तक खुला रहता है, क्योंकि आशु सीधे तौर पर बीजेपी से अब तक अगर हम कहें जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं सुदेश महतो से, तो वो सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये आप नहीं कह सकती हैं कि बीजेपी और आशु का गठबंधन टूट चुका है, किसी भी नेता के द्वारा कोई औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये तय है कि जब आपके उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे तो ये सीधे तौर पर है या अंडरस्टैंडिंग है कि आपका यहाँ गठबंधन टूट चुका है। कोई दोस्ताना संघर्ष कभी भी राजनीति के मैदान में अपने पक्ष में नहीं हो सकता है, अपने लाभ के लिए नहीं हो सकता, सीधे तौर पर ये सामने वाले उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने वाला होता है। इसलिए आशु जो कर रही है उससे यह स्पष्ट है कि एक तरफ वो चुनावी मैदान में डटे रहना चाहती है, अपने सीटों को बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ यह भी है कि वो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसका इंतजार भी कर रही है, ताकि अगर पोस्ट पोल अलायंस की तरफ भी अगर ये सारी चीजें बढ़े तो आशु को कोई दिक्कत ना। तो अविनाश, जो तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली सी है 13 प्रत्याशियों के नाम की, जो अलग अलग पार्टियां उतारेगी इन 13 सीटों पर, तो वो तस्वीर भी आज पूरी तरीके से साफ हो जाएगी नॉमिनेशन के दौरान? निश्चित रूप से साफ हो जाएगी, और 3 बजे के बाद जैसा कि मैंने कहा कि जब नामांकन का समय समाप्त हो जाएगा, जो जो अंतिम आप कह सकते हैं कि सूची हर एक विधानसभा सीट से जो बनेगी पहले चरण की जो 13 सीटें हैं वहां से यह स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि एक गुंजाइश और भी बचती है राजदा, आपको याद है जो नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापसी का भी एक समय होता है, और नाम वापसी के समय भी ये देखना होगा कि क्या ये गठबंधन के तहत जो दोनों ही दल के उम्मीदवार होंगे जिन सीटों पर होंगे वहां कोई भी प्रत्याशी ना अपना नामांकन वापस लेता है या नहीं लेता है, और अगर नहीं लेता है इसके बाद चुनावी मैदान में जरूर ये दिलचस्प लड़ाई। तो मतलब 16 नवंबर तक तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी? जरूर, और बहुत सारे मैंने कहा कि अभी 2 से 3 दिन के अंदर बहुत सारे और भी नेता आशु के संपर्क में हैं, जैसा कि सुदेश महतो भी कह रहे हैं, इसलिए ये देखना होगा कि अभी बहुत ऐसे नेता जो टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्या उनका अगला कदम आशु के दरवाजे तक ले जाएगा उन्हें, ये देखना होगा, और अगर आशु उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है क्या वो फिर से उनका चुनावी मैदान में उतरना तय होगा, क्योंकि जो अंदर खाने से खबर आ रही है आशु जरूर जो सीटें उसने तय की थी उस पर वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे नेता जो दूसरे दल से आ रहे हैं, जो नई सीटों में इजाफा हो रहा है आशु के लिए, उसके लिए आशु अपने संसदीय बोर्ड में इस प्रस्ताव को लाएगी, और हो सकता है कि सीटों की संख्या और बढ़ जाए।